दोस्तों नमस्कार। असेसमेंट ईयर 2024-2025 यानी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आप आईटीआर भरने के लिए कब लाइबल हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो से दोस्तों मैं आईटीआर फाइलिंग से संबंधित, विशेष रूप से फाइनेंशियल ईयर 23-24 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष मुखातिब हूँ, जिसमें मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि आप आईटीआर फाइलिंग करने के लिए कब लाइबल हैं, आईटीआर फाइलिंग करने की क्या ड्यू डेट है, यदि ड्यू डेट तक आईटीआर फाइलिंग नहीं कर पाए तो आपको एक्सटेंडेड डेट क्या मिलेगी। तो इन्हीं सब बिंदुओं के साथ दोस्तों आगे लिए चलता हूं अपनी इस चर्चा में विद द टाइटल आईटीआर फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। सबसे पहला पॉइंट, हु मे बी लाइबल टू फाइल आईटीआर, आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट किस किस व्यक्ति के ऊपर हो सकती है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्ति या व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ पार्टनरशिप फर्म और LLP, अ कंपनी और अदर पर्सन विच में इंक्लूड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मुख्य रूप से मैं पहली जो चार कैटेगरीज यहां पर रखी हैं उन्हीं संबंधी चर्चा आगे के डिस्कशन में लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेन आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी। कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा हो, यदि वो इस प्रश्न का उत्तर मेरे साथ समझ पाएगा तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ साहब, मुझे वित्त वर्ष 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी यानी आवश्यक भी है या नहीं है। सो इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF, यदि आप एक इंडिविजुअल एसएससी हैं या HUF हैं, आपको रिटर्न भरना कब आवश्यक होगा? इफ हिज हर और इट्स ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी एक इंडिविजुअल के रूप में या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में आप आईटीआर भरने के लिए लाइबल हैं, जब आपकी सकल कुल आय ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है दोस्तों, आपको सबको ये भी पता है कि अब जब हम रिटर्न भरने जाते हैं तो हम एक रिजीम सेलेक्ट करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। तो जब हम न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 24-25। और अगर आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। तो सीधे शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं कि पहली बात, आपने कौन सी रिजीम सेलेक्ट करी और उस रिजीम के अनुरूप आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू में 3 लाख, ओल्ड में 2.5 लाख है। जैसे ही इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है, आप आईटीआर भरने के लिए लाइबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है कि हम आईटीआर भरने के लिए कब लाइबल हैं। बहुत से लोग दोस्तों ये मानते हैं कि अनुप जी, मैंने तो ये सुना कि ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक फाइनल टैक्स नहीं लगता है और न्यू रिजीम में 7 लाख रादर सैलरीड पेड के केसेस में तो 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स नहीं लगता है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि न्यू रिजीम में 3 लाख से ऊपर और ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख से ऊपर रिटर्न भरना कंपलसरी। देखिए दोस्तों, दो बातें हैं, एक रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट, दूसरा आपकी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट। तो मैं इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि आप आईटीआर भरने के लिए कब लाइबल है। तो चाहे आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो, चाहे आपकी टैक्स लायबिलिटी एक रिफंड के रूप में हो, तो भी आपको रिटर्न तो भरनी है अगर आप मेरी इस चर्चा पर यहां जैसा मैं बात कर रहा हूं वैसा ध्यान देंगे। तो बहुत बढ़िया सिंपल थंब रूल लेके चल रहे हैं, एक इंडिविजुअल HUF को रिटर्न भरना तब कंपलसरी है जब उनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एज द केस में भी 3 लाख और 2.5 लाख से ज्यादा हो। अब अगली बात सुनिएगा, इफ एन इंडिविजुअल हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर होल्ड्स एज अ बेनिफिशियल ऑनर और अदरवाइज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और एज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और इज बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सच पर्सन इज ऑल्सो लाइबल टू फाइल आईटीआर इन इंडिया। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की 3 लाख या 2.5 लाख की भी ग्रॉस टोटल इनकम नहीं हो रही, लेकिन उस व्यक्ति के पास में कोई एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है या वो व्यक्ति बेनिफिशियल ऑनर है किसी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया के केस में, इसका सरल सा उदाहरण समझिए कि आप भारत में रेजिडेंट है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, भारत से बाहर कोई विदेश में अकाउंट है, बैंक अकाउंट जिसके आप धारक हैं, तो चाहे आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है, पर आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था आपको यहां ध्यान रखनी होगी।
अब दोस्तों आईटीआर फाइलिंग के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जहां ज्यादातर लोग ध्यान नहीं रखते कि उस परिस्थिति में भी उनको रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। वन, इफ एन एसोसिएट हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन वन और मोर करंट अकाउंट विद अ बैंक। यदि आपने संबंधित वित्त वर्ष में किसी चालू खाते में यानी करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, चाहे एक खाते में या बहुत से करंट अकाउंट्स में मिलाकर के सब खातों में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा कराए हैं, तो भी आप आईटीआर भरने के लिए लाइबल हैं। इफ एन एसोसिएट हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू अ फॉरिन कंट्री। मान लीजिए मैंने स्वयं की या अपने परिवारजनों की विदेश यात्रा के लिए 2 लाख से ज्यादा का खर्च किया है, तो भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। फर्दर, इफ एन एसोसिएट हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक और कैटेगरी है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो बिजली के बिल पर साल में 1 लाख से ज्यादा खर्च किया है टोटल मिलाकर के, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो मैंने एक प्रकार से 5 कंडीशंस आपके समक्ष रख दी जब रिटर्न भरना मैंडेटरी है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आप असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए रिटर्न भरने हेतु मैंडेटली कंपल्सरली रिक्वायर्ड है कि आपको रिटर्न अपनी भरनी होगी। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो आपको मेरे साथ यहां डेवलप करनी है कि अनुप जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्रॉस टोटल इनकम? ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? एक साधारण व्यक्ति, कोई भी करदाता, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम कैसे डिटरमाइन कर सकता है, उसका एक मोटा मोटी आइडिया आपको यहां देता हूं। ग्रॉस टोटल इनकम इज डिटरमाइंड इन फॉलोइंग स्टेप्स, के ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम डिसाइड कर पाएंगे। क्या? सबसे पहला स्टेप, डिटरमाइन इनकम अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। आप इसे ऐसे समझिए कि इनकम टैक्स लॉ में 5 हेड्स ऑफ इनकम है। पहला हेड सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन और पांचवा अदर सोर्स। तो आपको अपने सारे हेड्स की इनकम रिस्पेक्टिवली इनकम टैक्स प्रावधान के अनुसार निर्धारित करनी है। इस इनकम में और एड इनकम अर्न फ्रॉम ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो हर हेड की जो इनकम आपने डिटरमाइन की है, अब इन सबको टोटल कर दीजिए। इसमें फिर आप ऐड करेंगे इनकम टू बी इंक्लूडेड इन योर हैंड्स ड्यू टू क्लबिंग प्रोविजन। कई बार माइनर सन या डॉटर की इनकम आपके हाथ में क्लब होती है, स्पाउस की इनकम क्लबिंग होती है, या आपने एचयूएफ को कोई गिफ्ट किया तो एचयूएफ की इनकम आपके हाथ में वापस आके क्लब होनी चाहिए। ऐसी इनकम की क्लबिंग जो होती है वो भी आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम की गणना में शामिल करनी है। फर्दर आपको रिड्यूस करना है ऐसे लॉसेस को जो अलाउड हैं आपके लिए एडजस्टमेंट करने के लिए ड्यू टू सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ प्रोविजन। सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आपकी सैलरी है सपोज 4 लाख रुपए, आपके पास में होम लोन का इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए, दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं तो आपकी नेट इनकम बच गई 2 लाख रुपए, जिसे मैं ग्रॉस टोटल इनकम बोलूंगा टेक्निकली। तो जब आप ये 4 स्टेप्स पूरा करेंगे, यानी आपने 5 हेड्स की इनकम निकाली, उसका टोटल किया, हर हेड की इनकम सेपरेट कैलकुलेट करने के बाद, टोटल करने के बाद क्लबिंग की इनकम ऐड करना है, लॉसेस को एडजस्ट करना है, जो रिमेनिंग फिगर आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगा। यदि ये ग्रॉस टोटल इनकम न्यू रिजीम में 3 लाख से ज्यादा, ओल्ड रिजीम में 2 लाख से ज्यादा है, तो आप रिटर्न भरने के लिए कंपल्सरली रिक्वायर्ड है। अन्यथा वो और कंडीशन देखिए जो मैंने आपके साथ एक्स्ट्रा कंडीशन के रूप में रखी है। और यदि आप फिर भी कहते हैं कि अनुप जी, ना तो मैं आपकी इन कंडीशन में आता हूं ना ही उन एक्स्ट्रा कंडीशन में आता हूं, तो फिर रिटर्न भरना आपके लिए कतई मैंडेटरी नहीं है। अब दोस्तों यहां पर कैपिटल गेन एग्जम्पशन एंड आईटीआर फाइलिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो बहुत से लोगों को ध्यान नहीं है, जिसको मैं स्पेसिफिकली यहां हाईलाइट करता हूं। कि होता क्या है, आपने एक मकान बेचा, दूसरा खरीद लिया, जमीन बेची, मकान बना लिया, सेक्शन 54EC में बॉन्ड्स ले लिए, एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची, दूसरी खरीद ली, तो आपको जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि क्योंकि मैंने री इन्वेस्ट कर लिया है तो अब मेरे पर कोई रिटर्न भरने की लायबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी मेरी नील होगी, जैसा कि मेरी किसी से चर्चा हुई हो। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 139 स्पष्ट व्यवस्था करता है कि आपकी सकल कुल आय की गणना विदाउट कंसिडरिंग एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F कैलकुलेट की जाएगी। तो फॉर एन एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने 40 लाख का एक मकान बेचा, उसमें उन्हें 30 लाख का गेन हुआ। इनकम टैक्स लॉ कहता है आप 30 लाख का नया मकान खरीद लीजिए, आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना।
तो उन सज्जन ने 30 लाख का नया मकान भी ले लिया। लेकिन जब ग्रॉस टोटल इनकम की गणना की जानी है फॉर द पर्पज ऑफ आईटीआर फाइलिंग, तो कैपिटल गेन एग्जम्पशन 30 लाख की उस समय ध्यान नहीं रखनी। तो फॉर टाइम बिंग उनकी इनकम कितनी हो गई, 30 लाख, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा। तो आई होप यू आर कैचिंग दिस पॉइंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी और नॉट। दोस्तों अब बात करता हूं आईटीआर फाइलिंग इन केस ऑफ अदर पर्संस के, कुछ और व्यक्ति भी हैं जिनके लिए आईटीआर फाइलिंग की बात की जा सकती है। यहां पर संक्षिप्त में आईटीआर फाइलिंग इज कंपलसरी इन केस ऑफ फॉलोइंग एसेसी। ये जो करदाताओं का नाम मैं आगे लेने जा रहा हूं, नाम का मतलब है कैटेगरी बोलने जा रहा हूं, उनके लिए आईटीआर फाइलिंग हर हाल में मैंडेटरी है। पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, इन कैटेगरीज ऑफ असेसीज के लिए दोस्तों आईटीआर फाइल करना हमेशा और हमेशा मैंडेटरी है। दोस्तों अब चर्चा करता हूं आपके साथ व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग करने की ड्यू डेट क्या है। आप तपाक से जवाब देंगे अनुप जी 31 जुलाई, बिल्कुल सही आपका जवाब है, पर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से इस बात को एलिबोरेट करता हूं। इन केस ऑफ फॉलोइंग असेसीज ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग शैल बी 31st of October 2024। इन करदाताओं के केस में 31 अक्टूबर 2024 की ड्यू डेट होगी असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए। जैसे अ कंपनी, अ पर्सन हुज अकाउंट्स आर लाइबल टू बी ऑडिटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इनफोर्स, अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इनफोर्स। इन कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर कितनी बोली दोस्तों मैंने, 31 अक्टूबर 2024 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। However, in normal cases or in other cases, I may simply say due date of filing ITR shall be 31st of July 2024. और मैं बार बार करदाताओं को प्रवृत्त करता रहता हूं, उनको प्रेरित करता हूं कि प्लीज फाइल योर रिटर्न इन टाइम। तो आपको भी तैयारी करनी है कि 31 जुलाई 2024 तक हम रिटर्न भरेंगे। हालांकि दोस्तों एक कैटेगरी की चर्चा मैंने यहां पर नहीं करी, वो ऐसे करदाता हैं जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग या टीपी ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल होती है, वहां ड्यू डेट 30 नवंबर 2024 भी होगी, पर क्योंकि वो पक्ष ज्यादातर करदाताओं को छूता नहीं है, उससे संबंधित नहीं है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा चर्चा यहां नहीं करी। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके मेरे दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इफ आईटीआर कुड नॉट बी फाइल्ड अप टू ड्यू डेट। तो ड्यू डेट मान लेते हैं अपन 31 जुलाई तक आपने रिटर्न नहीं भरी, तो एक बिलेटेड रिटर्न भरेंगे जिसे हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 की रिटर्न कहते हैं, और उसकी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2024 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। मान लीजिए आप वो डेट भी स्किप कर जाएंगे, तो फिर आपको आईटीआर यू भरने का भी एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, परंतु आईटीआर यू आप ध्यान रखिएगा आपको एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी यानी टैक्स का 25% और देना पड़ेगा, टैक्स प्लस इंटरेस्ट का आधार। तो आपको वैसे डेट 31 मार्च 2027 तक भी मिल सकती है, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आप सर्वप्रथम तय करिए कि अगर आप रिटर्न भरने के लिए लायबल हैं तो आप 31 जुलाई 2024 जो कि बाय डिफॉल्ट ड्यू डेट है तब तक रिटर्न भरें, न भर पाए तो बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक भर लें, और अगर तब भी नहीं भर पाएंगे, आपको अगर टैक्स ड्यू है, टैक्स देना है सरकार को, तो 31 मार्च 2027 तक की भी डेट आईटीआर यू के रूप में मिलेगी, लेकिन तब आपको एक्स्ट्रा टैक्स प्लस इंटरेस्ट का पेनल्टी देते हुए, उसको वैसे सोफिस्टिकेटेड टर्म में फीस भी कहा जाता है या एडिशनल टैक्स भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा टैक्स देते हुए अपनी आईटीआर भरने का ऑप्शन मिलेगा। फाइनली दोस्तों मैं ये कह सकता हूं अपने प्रोफेशनल अनुभव से कि पिछले कुछ वर्षों में, रादर आई कैन से इन लास्ट 10 ईयर्स और इन लास्ट डिकेड्स टाइम, लोगों में आईटीआर भरने के प्रति अवेयरनेस बहुत हद तक बढ़ी है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी बढ़ चढ़कर करदाताओं के साथ में सूचना शेयर करी है कि देखिए आपकी ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारे रडार पर है, हमारी नजर में है। तो मैं ये कहूंगा दोस्तों अब समय है जहां हमें कमर कस लेनी है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अपने आईटीआर की तैयारी करने का, और ये सुनिश्चित करने का कि वन, क्या हम आईटीआर भरने के लिए लायबल हैं, टू, यदि लायबल हैं तो हमारी ड्यू डेट क्या होगी, और उस ड्यू डेट तक हम सुनिश्चित करें कि हमारी आईटीआर टाइमली फाइल हो जाए। सो आई होप ये जो कंटेंट यहां पर मैंने आपके समक्ष रखा है इस वीडियो के थ्रू, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।